दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय का टाइम बचा है, जहां पर हाल ही के अंदर हुआ IPL का 13th एडिशन यानी IPL 2020 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 28% बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली IPL के व्यूअरशिप के अंदर। और यहां पर दोस्तों IPL का 14th एडिशन यानी IPL 2021 जल्दी स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। काफी सारी एक्साइटमेंट यहां पर होने वाली है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यहां पर IPL के नए सीजन से, और हर दिन IPL से रिलेटेड काफी सारी न्यूज निकल के आती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम का नाम बताएं, कौन सी है ये न्यूज, किस टीमों की तरफ से निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट, किन टीम को होने वाला है बड़ा प्रॉफिट, किन टीम को होने वाला है नुकसान। आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय रह गया है और IPL का 14th एडिशन बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, और मिनी ऑक्शन होने में भी अब काफी कम समय रह गया है। और यहां दोस्तों IPL के नए एडिशन को लेकर रोजाना काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी खबरें दिन भर में बाहर निकल के आती है। आज तारीख हो चुकी है 12 जनवरी और आज भी दिन भर में काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आई है। दोस्तों आज दिन भर की अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहली अपडेट बाहर निकल के आती है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर। दोस्तों यहां पर काफी ब्रेव और काफी शानदार इनिंग्स खेली है भारतीय टीम ने। यहां तीसरा टेस्ट मैच बचा लिया है और यहां दोस्तों तीसरा टेस्ट मैच हो चुका है ड्रॉ। बट यहां दोस्तों एक बुरी खबर भारत के लिए यह है कि काफी इंजरीज इस मैच के अंदर भारत को देखनी पड़ी। इंजरीज की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और यहां पर हनुमा विहारी को इंजरीज हुई, जिसको लेकर जडेजा और विहारी अगले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं स्टीवन स्मिथ। वहीं अगर बात करें तो जो चौथा टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 15 जनवरी को। अब दोस्तों ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए कि एक मजबूत प्लेइंग 11 बनाए और यहां चौथा टेस्ट मैच बचा सके, क्योंकि मेन प्लेयर भारत के बाहर हो चुके हैं। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इंडिया यहां पर चौथा टेस्ट मैच खेलेगा, तो क्या सीरीज बचा पाएगा, क्या मैच ड्रॉ करेगा या सीरीज जीत कराएगा। दूसरी न्यूज बाहर निकल के आती है T10 लीग को लेकर। दोस्तों T20 लीग के बाद यहां पर T10 लीग भी एक काफी सक्सेसफुल लीग चलती आ रही है और ये लीग होने वाली है अब आबू धाबी के अंदर। दोस्तों आबू धाबी के अंदर अब रिसेंटली ये सीरीज होने वाली है, ये लीग होने वाली है, जिस लीग के अंदर आपको कुल 27 मुकाबले होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 10-10 ओवर की ये लीग रहने वाली है। यह लीग शुरू होने वाली है 28 जनवरी से और चलेगी यहां पर 6 फरवरी तक। वहीं अगर आपको बता दें कि ये लाइव आप कहां देख सकते हैं, तो यहां दोस्तों आप इसको लाइव देख पाएंगे सोनी नेटवर्क पर, सोनी 10 हो गया यानी दोस्तों सोनी 10 पर आप इसको देख पाएंगे। वहीं मोबाइल की अगर बात करें तो आप यहां सोनी लिव के ऊपर इसको पूरी तरह से लाइव देख सकते हो, पूरी तरह से फ्री के अंदर। तो यहां दोस्तों आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप T10 लीग के लिए एक्साइटेड हो या फिर आप कोई और सीरीज देखना चाहते हो। तीसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर। दोस्तों KKR की टीम की तरफ से एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है, और वो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ KKR की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है अपने एक्स कैप्टन को अलविदा करने के लिए। यानी दोस्तों अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठा रही है दिनेश कार्तिक। यहाँ दोस्तों नहीं चाहते हैं KKR की मैनेजमेंट की दिनेश कार्तिक को टीम में रखें। ना सिर्फ दिनेश कार्तिक को बल्कि कुलदीप यादव को लेकर भी सेम रिपोर्ट आ रही है। दरअसल दोस्तों इनके पीछे क्या बड़ा कारण है, आज दिन में हमारी आने वाली वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि क्या रीजन है, क्या बड़ा कारण है कि KKR की टीम इन दोनों ही प्लेयर्स को फॉर्म में होने के बावजूद टीम से रिलीज कर रही है। दरअसल दोस्तों अभी आपको बता दें दोनों की जो पर्स मनी है वो काफी हाई है, तो एक कारण ये भी हो सकता है, खैर आपको दिन की वीडियो में पता चल जाएगा। वहीं दिनेश कार्तिक 7.4 करोड़ रुपए ऐड कर रहे हैं पर्स मनी के अंदर बाहर जाने के लिए, और कुलदीप यादव 5.8 करोड़ रुपए ऐड कर रहे हैं। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या KKR को दिनेश कार्तिक और यहां कुलदीप यादव को टीम से बाहर करना चाहिए या फिर नहीं। चौथी न्यूज बाहर निकल के आती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर। दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम यहां IPL 2020 के अंदर पहले हाफ के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, बट ऑन पेपर से काफी मजबूत टीम थी, और यहां दोस्तों जब सेकंड हाफ चला तो ऐसा लग रहा था कि ये ट्रॉफी भी जीत सकती है। और यहां दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म एक चिंता का विषय था, बट ना सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल, अब टोटल 3 बड़े नाम बाहर निकल के आते हैं। दरअसल दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम काफी प्लेयर्स बाहर करने वाली है, बट ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी अगर टीम के अंदर
अंदर होते तो टीम उनको रिलीज नहीं करती, बट यहाँ पंजाब की टीम ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन पंजाब की टीम ने क्यों लिया है, क्या बड़ा कारण है, इसके पीछे अभी तक रीजंस बाहर नहीं आए हैं। बट यहाँ दोस्तों जिन तीन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है वो है ग्लेन मैक्सवेल, शेल्डन कॉटरेल और मुजीबुर रहमान। दोस्तों ये तीनों ही खिलाड़ी अपनी जगह काफ़ी बेहतरीन है, बट फिर भी पंजाब की टीम इनको रिलीज कर रही है। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या पंजाब को इन तीन खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहिए, इन तीन में से किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए। पांचवी न्यूज़ बाहर निकल के आती है ऑक्शन 2021 को लेकर। तो यहाँ दोस्तों अब वैसे भी कंफर्म हो ही चुका है कि मिनी ऑक्शन होने वाला है, कोई भी मेगा ऑक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी टीम का प्रोसेस वही रहने वाला है, वो आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकती है, यानी दोस्तों आरटीएम के लिए दो कार्ड तो वो यूज़ कर सकती है जो कि ऑक्शन के अंदर होने वाला है। तो इसका प्रोसेस हम आपको अगली वीडियो के अंदर समझा देंगे, या खैर आपको मालूम ही होगा मिनी ऑक्शन का प्रोसेस। बट दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, यहाँ दोस्तों 11 तारीख अभी तक कन्फर्म होती हुई नज़र आ रही है, जो कि 11 फेब है, डेट यही है। टाइम की अगर बात करें तो दिन का टाइम होने वाला है 3:30 से, क्योंकि दोस्तों मिनी ऑक्शन है तो काफ़ी जल्दी फ्री हो जाएंगे। टेलीकास्ट की अगर बात करें तो ये आपको 3:30 बजे से पहले लाइव आता हुआ देखने को मिल जाएगा स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर। मोबाइल में आपको हॉटस्टार के ऊपर ये देखने को मिल जाएगा, और फ्री है पूरे जियो यूज़र्स के लिए, यानी जिनके पास जियो की सिम है उनके लिए फ्री रहने वाला है मोबाइल के ऊपर। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप मिनी ऑक्शन के लिए एक्साइटेड है, या फिर आप सिर्फ IPL ही देखना पसंद करोगे। छठी न्यूज़ बाहर निकल के आती है IPL 2021 को लेकर। दरअसल दोस्तों यहां पर सभी मिनी ऑक्शन की बात कर रहे हैं, रिटेन और रिलीज प्लेयर की बात कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं हो रही है तो वो नहीं हो रही है IPL 2021 के बारे में, यानी कब से शुरू होने वाला है IPL 2021। दोस्तों आपको बता दें IPL गवर्निंग काउंसिल यहां अभी तक डेट अनाउंस नहीं कर पाया है, बट अभी हाल ही के अंदर होने वाली इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हमें काफ़ी बड़ी हिंट देती है कि यहां पर दोस्तों अप्रैल के सेकेंड वीक के अंदर ही होने वाला है IPL, यानी दोस्तों हो सकता है कि IPL यहां पर अप्रैल के थर्ड वीक में भी हो या फिर लास्ट में हो, बट यहाँ दोस्तों सेकंड वीक से पहले IPL शुरू नहीं होने वाला है। और इसके पीछे बड़ा कारण है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़, जो कि होने वाली है मार्च के महीने में, यानी दोस्तों एक बड़ा टूर है इंग्लैंड का इंडिया के अंदर। और ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म होगी यहाँ पर 28 मार्च को, और 28 मार्च के बाद कुछ दिनों का रेस्ट ना सिर्फ इंग्लैंड को बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को भी चाहिए होगा। और इसी रेस्ट के चलते यहाँ दोस्तों IPL जो हर साल स्टार्ट हो जाता है मार्च के लास्ट वीक के अंदर, यानी 20 से 30 मार्च के अंदर आपको देखने को मिलता होगा, बट यहाँ दोस्तों पहली बार यहां पर अप्रैल के अंदर होने वाला है, वो भी 2 अप्रैल के अंदर। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि पहला IPL मैच किन दो टीमों के बीच में होने वाला है। सातवीं न्यूज बाहर निकल के आती है भुवनेश्वर कुमार को लेकर। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार अब काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, हाल ही के अंदर उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर कमबैक किया है, और यहां दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उनका स्कोर कार्ड भी अच्छा रहा है, केवल 22 रन देके 3 विकेट उन्होंने काफ़ी अच्छी वापसी की है। हालांकि SRH की टीम अगर वो फुली फिट होते हैं तो उनको कभी भी रिलीज़ नहीं करने वाली थी, बट यहां दोस्तों उनका इंजरी कंसर्न हो गया था IPL 2020 के अंदर, और इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि 6 महीने के लिए भुवनेश्वर कुमार बाहर हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो IPL बल्कि आने वाली भारत की हर सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे 6 महीने तक। बट अब ऐसा नहीं है, आपको हाल ही के अंदर वो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज में तो खेलते हुए नजर आएंगे ही, बट यहां दोस्तों SRH की टीम में भी वो कमबैक करने वाले हैं, और पहले ही SRH के मैच से आपको IPL 2021 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या भुवनेश्वर कुमार IPL 2021 के अंदर पर्पल कैप जीत पाएंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी दिन भर की टॉप न्यूज़, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।